दोस्तों, डब्बा खोलने के बाद में कुछ इस तरह से ये पूरी ड्रिल मशीन हमें नजर आती है और इसके साथ में हमें मिले हैं ये हैंड ग्लोव्स और ये लकड़ी में छेद करने की बिटें और ये मेटल में छेद करने के लिए बिटें और ये कुछ एलन की जो कि हमें इसे इंस्टॉल करने में अभी मदद मिली थी जैसा कि अभी आपने देखा था। और साथ में मिला है ये आई प्रोटेक्शन ग्लास, मतलब ये आप ड्रिल मशीन से कोई भी काम करते हैं या किसी लोहे वगैरह में छेद करते हैं तो आपकी आंखों में उसका कण नहीं जाए, आपकी आंख बची रहे, उसके लिए ये चश्मा इसके साथ में मिला है। तो जरूरी नहीं है कि आप यही चश्मा लगाए, कोई इस तरह का काम करते समय आप अपने हिसाब से कोई अलग चश्मा भी लगा सकते हैं। और साथ में मिला है ये सेंटर पंच टूल, ये हम जब किसी लोहे में छेद करते हैं तो वहां पे हमें ये सेंटर पंच जो वहां पे निशान बना के यहाँ पे छेद हल्का सा टप्पा मारना पड़ता है, हथौड़ी से निशान बनाना पड़ता है इसे लगा के, ताकि हमारी ये जो ड्रिल है वो प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर सके, उसी जगह पे काम कर सके, आगे पीछे ना हो। और ये सारी चीजें हमें इस मशीन के साथ में मिली है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसका डेमो कि ये किस तरह से काम करती है और मोटे से मोटे लोहे पे ये छेद कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो देखा दोस्तों कि कितनी यूजफुल है और आपने डेमो देख लिया कि किस तरह से ये काम करती है, चाहे लोहा पतला हो चाहे मोटा हो कैसा भी हो। और ये लोहे के ऊपर ही नहीं काम करती है, ये लकड़ी के ऊपर भी काम करती है, स्टील के ऊपर भी काम करती है, आप जिस भी चीज में छेद करना चाहते हो वो सभी चीजों में छेद करती है। बस आपको ये याद रखना है कि जिस चीज में आप छेद करना चाहते हो उसकी एक अपनी अलग से बिट होती है, चाहे आप कांच में छेद करिए, चाहे लोहे में छेद करिए, चाहे लकड़ी में छेद करिए, सबकी अलग अलग बिट होती है। जैसा कि हमें यहाँ पे दो तरीके की बिट का सेट दिया गया है, जो कि एक है लकड़ी के लिए और एक है हमारे लोहे में छेद करने के लिए। और ये मैंने पूरी किट के साथ में लिया है और ये मुझे अमेजोन से पड़ी है 8,999 रुपए, तकरीबन 9,000 रुपए की। और इसे मैंने ईएमआई पे लिया है, किस्तों पे लिया है, अगले 6 महीने तक इसकी 1,500 रुपए के आसपास की ईएमआई जाएगी। और यदि वीडियो देखने के बाद में आपको भी लग रहा है कि ये आपके लिए भी यूजफुल है, आपके भी बहुत काम आने वाली है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेज़न से ले सकते हैं। तो आगे हम जितने भी लोहे के पाइप वगैरह के या किसी भी लोहे से संबंधित काम करेंगे तो उस दौरान आपको ये
ये वाली ड्रिल मशीन जरूर देखने को मिलेगी। तो देखिए, इससे पहले मैं ये वाली ड्रिल मशीन इस्तेमाल करता था, इसके ड्रिल वाला ये स्टैंड है, इसके ऊपर मैंने ये ड्रिल अटैच कर रखी है और ये टूट गया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे वेल्ड करके इस तरह से डब्बे के ऊपर फिक्स करके रखा हुआ है और ऐसे ही मैं इसे इस्तेमाल करता था। और ये मेरी पुरानी वाली ड्रिल मशीन से क्या है कि छेद जो है वो टेढ़े हो जाते थे पाइप के अंदर, इस वजह से मैंने ये वाली ड्रिल मशीन खरीदी। और इसी ड्रिल मशीन से हम बहुत सारी चीजें भी बनाने वाले हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, या तो इस चैनल पे या तो अरोड़ा जी ब्लॉग चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो चैनल आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक कीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।